हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं गेस्ट मेन्यू के लिए स्टार्टर। सो उसमें हम एक ड्रिंक आपके साथ शेयर करेंगे जो कि है लेमनेड। और इसके अलावा हम आपके साथ तीन रेसिपी और जो स्टार्टर में ही जाएंगी। सो एक नमकीन की रेसिपी है, चाउमीन की रेसिपी है और एक है सिजलिंग चीज़ चिली नाचोस। सो ये बहुत ही टेम्पटिंग एक रेसिपी है, आप अपने घर में इनको एक ज़रूर ट्राई कीजिए। लास्ट वाली रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही क्विक है, एक घंटे में आप ये सारी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो चलिए हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टर में सबसे पहले हम ड्रिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और पैन में हमने लगभग 2 2 कप पानी लिया है और इस पानी में हम ऐड कर रहे हैं शुगर। सो ये जो शुगर है ये नॉर्मल जो रेगुलर शुगर होती है वो शुगर नहीं है, हम एक्चुअली मॉन्ग शुगर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो शुगर है वो मॉन्ग फ्रूट से बनती है, ये जो रेगुलर शुगर होती है उसकी रिप्लेसर है, उसकी जगह पर आप ये यूज़ कर सकते हो। इसको लगभग हमने 2 से 3 बार यूज़ कर लिया है और ये बहुत अच्छी शुगर है, बिल्कुल इसमें कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी है और कीटो फ्रेंडली है ये। और ये बहुत मतलब इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि ये आप जो शुगर रेगुलर में यूज़ करते हो वो है आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और शुगर यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर हम यही मॉन्ग शुगर यूज़ कर रहे हैं। सो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो बिल्कुल रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि इसमें कैलोरी वगैरह नहीं है। सो यहाँ पर हम बस ये लगभग 1.5 कप ले रहे हैं और हम इसको ऐड कर रहे हैं पानी में। सो ये रेगुलर वाटर है और इसमें हम जो शुगर है वो ऐड कर रहे हैं और इसको अब हम हीट पे रखेंगे क्योंकि अभी हमें इस शुगर को पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व करना है। सो इसको हम हीट पे रखेंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे जिसमें नीचे कोई चीज़ लगे ना, और इसको हम अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे। और ये शुगर बहुत ही जल्दी डिसॉल्व भी हो जाती है क्योंकि ये फ्रूट से बनी होती है। सो ये फटाफट से डिसॉल्व कर लेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट इसका पानी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। सो समटाइम जब हम लोग लेमनेड, जब प्रॉपर इंडियन फैमिलीज़ में जो लेमनेड सॉर्ट ऑफ बनता है वो पानी में बस शुगर ऐड कर देते हैं और उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाओगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आपको लगेगा क्योंकि आपने इसमें कोई भी चीज़ रॉ नहीं यूज़ की है। सो हमने अच्छे से पानी में शुगर को डिसॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो अच्छे से ये मिक्स हो गया है और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, इसे लूक वॉर्म पे लाना है हमें, गरम गरम पानी में हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। सो यहाँ पर हमने 4 लाइम और लेमन, आपके पास जो भी हो, हमने उसका जो जूस है उसका जो रस है वो निकाल लिया था और उसको हम सीव कर रहे हैं इस डायरेक्ट पानी में। और ये लूक वॉर्म वाटर है, गरम पानी नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ गरम गरम उसमें डालेंगे तो वो कड़वेपन पे आ जाती है, तो थोड़ा इसको ठंडा करके ऐड करें। सो यहाँ पर इस लूक वॉर्म वाटर में हमने 4 लेमन जो हैं उनको हमने इसमें ऐड कर दिया है स्क्वीज़ करके और मिक्स कर देंगे। अब इस मोमेंट पे आप चेक कर सकते हो कि मीठा और जो टैंगीनेस है वो कितनी है, उस हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा जो भी आपको करना है कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके देन हम इसको जग में, बड़े से जार में या जग में ऐड करेंगे और फिर हम उसके ऊपर वाटर ऐड कर देंगे क्योंकि अभी ये ऐसा है कि काफ़ी मीठा भी है और काफ़ी टैंगीनेस भी है, तो इसमें हमें वाटर ऐड करना है। सो बस ये हमारा अच्छे से मिक्स तैयार हो गया है और अब हम इसको एक बड़े से जार में ऐड कर लेंगे, बड़े से जार में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें फिर हम ऐड कर देंगे जो हमारा पानी है वो।
सो इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपको कमियां ज़्यादा लग रहा हो, स्वीटनेस या टेंगीनेस, आपको जैसी चाहिए हो, आप थोड़ी सी चीज़ें अप एंड डाउन बाद में कर सकते हैं और एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि ज़्यादा ना मीठा होना चाहिए ना ज़्यादा टेंगीनेस होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको जैसा भी आप इस मोमेंट पे, यहाँ पर अगर नमक ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने एक्चुअली ये फास्ट के लिए बनाना था इसलिए हमने ऐड नहीं किया, आपको बता रहे हैं आप कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने बड़े से जार में इसको ऐड कर लिया है और उसमें ऐड कर दिया है हमने नॉर्मल पानी, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में आप रखें और आइस क्यूब के साथ इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आराम से आप 4-5 बड़े बड़े ग्लास इसमें सर्व कर सकते हैं। सो ये हमारा जो लेमनेड है वो बन के तैयार है, और जैसा कि हमने आपको बोला, आप इसमें थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, तो आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। सो ये लेमनेड एक स्टार्टर ड्रिंक के उसमें हमने ये बना के तैयार किया है। अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है अगेन, और उसमें हम ये मुरमुरे ऐड कर रहे हैं। कई जगह से लाई बोलते हैं, कई जगह से मुरमुरे बोलते हैं, और इनको हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। इसकी जो नमी है, जो थोड़ी सी भी इसमें अगर नमी है तो उसको हमें निकाल देना है। सो इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इससे हम बनाएंगे नमकीन, जो कि बहुत ही एक बढ़िया सा चटपटा सा नमकीन बन के तैयार होगा, और इसे आप बहुत ही क्विक बना के तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ पर बस हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ये हम लोग बचपन में नमकीन बनाते थे, जब हम 7 या 8 स्टैंडर्ड में थे तब ये गर्मियों में नमकीन बना के रखते थे। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर हम इसे बढ़िया से ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें सिंपली कुछ स्पाइसेस मिक्स करेंगे। सो बस इसे हमें क्रंची होने तक ड्राई रोस्ट करना है। जब तक ये अच्छे से क्रंच इसमें ना आ जाए तब तक हम इसे बढ़िया से ड्राई रोस्ट करते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होना चाहिए। जब आप तोड़ें तो एकदम टूट जाना चाहिए और ऐसे बिखर जाना चाहिए, तो टूटा हुआ जो भी आप मुरमुरा उठाएँ। तो बस हम इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको एक किसी खाली बर्तन में निकाल लेंगे, परात में या पैन में। अब यहाँ पर हमने थोड़े से ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा ग्रीन चिली और करी पत्ता लिया है, उन दोनों को बढ़िया से सेक लिया है ऑयल के अंदर, और इसके बाद हमने मुरमुरे उसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें बेसिक मसाले ऐड कर रहे हैं। सो थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर मिक्स किया है, और बस इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे तो इनका कलर बिल्कुल एक जैसा आ जाएगा। सारे जो नमकीन है, सारे नमकीन पर बढ़िया सा कलर आ जाएगा। इसको हम चलाते जाएँ और मिक्स करते जाएँ, और सारा नमकीन जब एक जैसा हो जाएगा तब आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप कोई और नमकीन भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, आप जो चने आते हैं नमकीन वाले वो भी ऐड कर सकते हैं, बट हम इसे थोड़ा सिंपल रखेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली ऐड कर रहे हैं और इनको अच्छे से सारी चीज़ों को अब चला लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें बढ़िया से सिक भी जाएँ और दूसरी चीज़ के किसी भी चीज़ में नमी ना रहे। बस सबसे मेन जो थिंग है वो यही है कि नमी नहीं रहना चाहिए। और सबसे एंड में फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। सो अपने टेस्ट के अनुसार जितना भी चाहें तो आप नमक ऐड कर लें, और इसके बाद बस नमक ऐड करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक किसी भी चीज़ में, जिससे कि ये अच्छे से बस ठंडा हो जाए। सो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सूखी हुई धनिया भी ली है और धनिया को भी यहाँ पर ऐड किया है इसमें, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ इतना भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। और बस यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं और इस सारे नमकीन को एक परात में हमने निकाल लिया है, जिससे कि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। और ये हमने सर्व करके बताया आपको कितना अच्छा, एकदम बिल्कुल सिंपल है, गर्मियां हैं तो एकदम सिंपल नमकीन है, बट बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है, एक बार तो ट्राई करना बनता है। अब हम बना रहे हैं चाउमीन। सो यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, और पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा इसमें अच्छा खासा नमक हम ऐड कर देंगे। सो नमक हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे, हम यहाँ पर पहले तोड़ के ऐड कर रहे हैं अपना जो नूडल्स हैं वो,
तो हम यहाँ पर तोड़ के इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि त्रिशिका भी खाती है, तो एकदम लंबे लंबे नूडल्स खाते बनते नहीं हैं। आप चाहे तो पूरी स्टिक एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम तोड़ के ये नूडल्स को ऐड कर रहे हैं, अच्छा गर्म पानी है और इसमें फिर ऐड कर देंगे हम नमक। सो आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हो नमक, लेकिन हम ऊपर से ऐड करते हैं जिसमें कि नमक का टेस्ट अच्छा खासा आए और बहुत ज़्यादा नमक ना डालना पड़े। तो बस अच्छे से पहले हम नूडल ऐड कर देंगे गर्म पानी में और देन हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर सॉल्ट इतना कि नूडल्स फीके ना लगे, उस हिसाब से अच्छा खासा सॉल्ट आप यूज़ कर लें यहाँ पर। और बस आप इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसे सीव करना है हमें। सो यहाँ पर हम बढ़िया से इसको बॉयल कर लेंगे। और अब कुछ लोग थोड़ा सा इसको 80% तक बॉयल करते हैं, कुछ लोग पूरा बॉयल करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप 80% और 85% इसको बॉयल कर लें क्योंकि ज़्यादा फिर वो गले गले से अच्छे नहीं लगते। सो यहाँ पर हमने अगेन एक पैन लिया है, वही पैन लिया है, इसमें हमने ऑलिव ऑयल ऐड किया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सारे पैन में। और ये हम बिना गार्लिक और अनियन के बना रहे हैं, आप चाहो तो गार्लिक अनियन ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जिंजर, और जिंजर के साथ जाएंगी लंबी लंबी कटी हुई गाजर, ये कैरेट हैं, और अच्छे से हम इनको सेक लेंगे क्योंकि कैरेट को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने कैरेट सबसे पहले ऐड की हैं। और जिंजर और कैरेट को बहुत अच्छे से बहुत तेज़ गैस पर हमें इसको कुक करना है जिसमें कि ये बढ़िया से कुक भी हो जाए और इसका जो क्रंचीनेस है वो बिल्कुल एज इट इज़ बना रहे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जिससे कि कैरेट फटाफट से कुक हो जाएंगी, और बस हम थोड़ा सा ढक के इसको पका लेंगे क्योंकि कैरेट को पकने में टाइम लगता है। सो जैसे ये कैरेट थोड़ी सी कुक हो जाएंगी उनमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। सो यहाँ पर कलरफुल हमने शिमला मिर्च ऐड की है, बेल पेपर, कैप्सिकम, और इसके बाद हमने ऐड किया है यहाँ पर कैबेज, काट के हमने कैबेज भी ऐड कर दिया है। साथ साथ इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि गैस बहुत तेज़ है तो बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएंगी और हमें बहुत ज़्यादा कुक तो करना नहीं होती है सब्ज़ियाँ चाइनीज़ में। सो बस हम इसको बराबर चला देंगे और चलाते हुए थोड़ा सा इनकी इनको सेकेंगे। और उसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा केचप ऐड कर रहे हैं जिसमें कि सारी सब्जियों में बढ़िया सा एक टैंगी फ्लेवर सा आ जाए। सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा केचप ऐड कर दिया है और अगेन थोड़ा सा टॉस कर दिया है सारी वेजिटेबल्स को। सो यहाँ पर ये जैसे ही थोड़ा सा कलर वलर बदलने लगेंगी हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस यूज़ कर रहे हैं, रेड चिली सॉस। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डार्क सोया सॉस यूज़ किया है, इसके अलावा थोड़ा सा हमने एक मैगी का सॉस आता है वो भी ऐड किया है। सो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अगेन चला देंगे तो सोया सॉस की वजह से इसका कलर चेंज होने लगेगा तो ये ब्लैक उस पर आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि अधिकतर सारे सॉसेज में विनेगर होता ही है। और यहाँ पर हमने ये राव का होममेड मैरियाना सॉस यूज़ किया है जिससे कि जो ये नूडल्स हैं वो बहुत ही अच्छे थोड़े टैंगी फ्लेवर में बनेंगे इसलिए। सो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो कोई भी ऊपर से सॉस नहीं ऐड करें, बट हमें थोड़ा सा टैंगीनेस पसंद है इसलिए हमने मैरिनारा सॉस भी यूज़ किया है। देन इसके बाद हमने सारे नूडल्स अपने इसमें ऐड कर दिए हैं और बस अब इसको बहुत अच्छे से हम चला लेंगे और बस हमारी ये चाउमीन है ये फटाफट से बनके तैयार है। अब ये जब आप गेस्ट को सर्व करेंगे ना तो कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपने ये बिना अनियन बिना गार्लिक की बनाई है, ये इतनी टेस्टी चाउमीन बनके तैयार होती है और बहुत ही क्विक ये रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर लिखें। आप देखिए ये कोई बोल सकता है कि ये बिना अनियन और बिना गार्लिक की बनी हुई चाउमीन है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका था, बहुत ही टेस्टी ये बनी थी और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। और चलिए अब हम बनाएंगे इसके अलावा एक और रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। सो यहाँ पर हमने थोड़े से नाचोस लिए हैं, ये
हेलोपिनो लाइम नाचोज हैं जो कि बहुत ही टैंगी फ्लेवर वाले नाचोज हैं, और आप चाहें तो रेगुलर कोई भी नाचोस ले सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है नाचोस का। सो यहाँ पर हमने ये बहुत ही टैंगी और बहुत ही स्पाइसी नाचोस हैं वो ऐड कर रहे हैं। सो एक अपार्चमेंट पेपर के ऊपर हमने ये नाचोस ऐड किए हैं और ये जाएंगे अवन में। तो पहले से ही प्री हीट कर लें अपने अवन को। हमने ब्रॉयल पे रखा है अवन को क्योंकि ये 2 मिनट की रेसिपी है, 2 मिनट में ये फटाफट चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कुछ और चिप्स यूज़ की हैं जिसमें कि ये बीट रूट वगैरह इसमें मिक्स था चिप्स में, वो हमने ऐड किया है। सो बीट रूट चिप्स भी हमने ऐड की हैं। इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं चेडार चीज़, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, और जो कि आप चाहो तो बिल्कुल मोज़रेला चीज़ की लेयर ही लगा सकते हो, बट हमने यहाँ पर एक लेयर चेडार चीज़ की यूज़ की है। उसके ऊपर अगेन हमने नाचोज स्प्रेड किए हैं और इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। सो यहाँ पर हमने कलरफुल शिमला मिर्च जो है, कैप्सिकम, बेल पेपर वो काट के रखी थी, तो यहाँ पर वो ऐड कर रहे हैं हम। और इसके बाद ऐड करेंगे हम जो चीज़ है वो। सो हम यहाँ पर जो स्लाइस होता है ना हेवर्टी की है जो ये चीज़ स्लाइस, वो हमें बहुत पसंद है। आपने देखा होगा अगर हमारे पिज़्ज़ा वाले वीडियो और ब्लॉग में, तो हम यही चीज़ हमेशा यूज़ करते हैं। सो बस इसी स्लाइस को हम तोड़ तोड़ के ऐसे ही डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट की है। इसमें थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए अगर चीज़ तो बिल्कुल हैवीनेस नहीं लगती इस चीज़ से, तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम हमेशा यही यूज़ करते हैं। सो तो जितना आपको यूज़ करना है, आपको जितना लगता है कि आपको चीज़ यूज़ करना है, इतना खाना है, उतना आप ऐड कर लें। यहाँ हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे और बहुत कम भी यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। सो बस हमने एक अच्छी सी लेयर यहाँ पर चीज़ की लगा दी है। अगेन थोड़ा सा बेल पेपर अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा और ऐड कर दें, और ये देखिए आप बिल्कुल ये तैयार है ब्रॉयल अवन में जाने के लिए। सो बस ब्रॉयल पे हमने अवन को रखा है और ये हमारा जो है बिल्कुल तैयार है, और ये अब जाएगा सीधे अवन में। तो अवन में बिल्कुल भी आप टाइम ना लगाएं, इसको 2 मिनट में चेक कर लें, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर वाले रैक में रख रहे हो तो 2 मिनट से भी कम लगेगा। और हमने देखिए इस तरीके से ऊपर वाले रैक में ही रखा है ब्रॉयल पर, और ये 2 मिनट भी नहीं लगा। हमने हाथ धोए और थोड़ी सी सफाई की, इतने में ही ये बन के रेडी हो गया था। सो बस आप चेक जरूर करें, अगर ब्रॉयल पे आप कोई भी चीज़ कुक कर रहे हैं ना, तो आप चेक वहीं पे खड़े रहें, क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है फिर जो भी आप उसमें बना रहे हैं। सो ये देखिए आप, ये बहुत ही बढ़िया से सिजल हो गया था, और ये हमने निकाला उतनी देर में सिजलिंग ख़त्म हो गई थी, वरना आप इसको ब्रॉयल पे कुक करें आपको बहुत ही टेस्टी ये बन के नाचोस तैयार होते हैं। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो बस ये था आज का वीडियो और ब्लॉग। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।